हेलो बच्चों, आज हम करेंगे मिडल टर्म स्प्लिट और ये सीरीज़ का पार्ट 7 है। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ 5x² + 3x - 2। तो देखो बच्चा, ये आपका ए है, ये बी है, ये सी है। तो हम क्या करते हैं, ए इंटू सी करते हैं, यानी 5x² + 3x - 2 में 2 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आएगा 10। 10 के अगर हम फैक्टर्स बनाएं तो 2 5 ज़ा 10। 5 और 2 को इस तरीके से अरेंज करेंगे कि हमारा 3 आए, तो 5x - 2x तो हमारा पॉजिटिव 3x आ जाएगा। बस इसको यहाँ पर पुट कर देंगे, प्लस 5x - 2x - 2। इन दोनों में से अगर हम कॉमन निकालें तो 5x कॉमन है तो यहाँ पर x + 1, और यहाँ पर देखो 2x और 2 है तो हम -2 कॉमन निकालेंगे, और ये x प्लस, क्योंकि 2 तो बाहर ही आ गया, x + 1। तो 5x - 2 और 5x + 1 इज योर आंसर। सेकेंड क्वेश्चन इज 14x² + 9x + 1। अब देखो बेटा, 1 और 14 को मल्टीप्लाई करेंगे 14 आएगा। 14 के अगर हम फैक्टर्स बनाते हैं तो 2 7 = 14, और 7 और 2 को ऐड करते हैं तो 19। तो ये हो गया हमारा 2x + 7x + 1। इसमें से हमारा क्या कॉमन निकल रहा है, 2x, क्योंकि 2 की टेबल में 14 भी आता है, तो 2 7 = 14 ये। और इन दोनों में देखो हमें 7x + 1 लाना है, और ये 7x + 1 ही है, तो इस केस में हम 1 कॉमन ले लेंगे। 7x 1 को 1 से डिवाइड करेंगे, 1 ही आएगा, तो 2x + 1 एंड 7x + 1 इज आंसर। थर्ड क्वेश्चन इज 6p² - 11p - 10। अब देखो 10 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 60। 60 के फैक्टर बनाते हैं 32 15 3 5 5 1 = 5, 5 3 = 15 2 2 = 4, तो हमें -11 लाना है। तो 15 में से 4 जाएगा तो 11 आएगा, लेकिन माइनस लाना है तो -15 रखना पड़ेगा और 4 पॉजिटिव रखना पड़ेगा। ओके, तो देखो 6p² - 15p + 4p - 10। इन दोनों में से कॉमन देखें तो 3 2 = 6 3 5 = 15, तो 3 कॉमन हो गया, p कॉमन हो गया, p बचा है यहाँ पर 3 5 = 15। इसमें और इसमें कॉमन देखें तो 2 कॉमन है, 2 2 = 4, यहाँ पर 2 आएगा, 3 2 = 6 होता है, तो 2 कॉमन लिया तो 2 2 = 4, 2p - 2 5 = 10, तो आपका आंसर हो गया 3p + 2 2p - 5 इज योर आंसर। फोर्थ क्वेश्चन इज 3x² - 12x - 135। अगर 135 और 3 को मल्टीप्लाई करते तो देखो कितना आता है, 3 5 = 15, 3 3 = 9 1 = 10, 3 1 = 3 1 = 4, 405। थोड़ा लंबा होने वाला है, देखना ध्यान से, ये 3 से चला जाएगा, 3 1 = 3, 3 3 = 9, 3 5 = 15, 3 से 3 4 = 12, 3 5 = 15, 3 1 = 3, 3 5 = 15, 3 से 5 5 1 = 5, हमें 12 अरेंज करना है। तो 12 कैसे आएगा हमारा, अगर हम करते हैं 3 3 = 9, 3 3 = 9, 9 3 = 27, और 3 5 = 15, 27 में से 15 जाएगा तो हमारा 12 आ जाएगा, 3 3 = 9 3 = 27, 3 5 = 15। 3x² - 20, क्योंकि हमें माइनस का साइन लाना है, तो 27x माइनस का और प्लस का 15x - 135। तो देखो बच्चे, इसमें क्या कॉमन है, 3x कॉमन है, तो यहाँ आ गया x - 9। अगर हम इसमें से 15 कॉमन लें तो हमारा प्लस 15 कॉमन हो गया तो x, और 15 9 = 135, तो हमारा आंसर हो जाएगा 3x + 15, और x - 9 इज़ अवर आंसर। अब हमारा क्वेश्चन है पार्ट 5, जो कि लास्ट पार्ट है आज के लिए। पार्ट 5 इज़, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, ध्यान से देखिएगा। द क्वेश्चन इज √3x² + 4x + √3। तो बेटा देखो, √3 और √3 को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो
तो आपका आंसर आएगा थ्री। अब थ्री के कैसे फैक्टर बनाएंगे, हमारा फोर आए तो बेटा थ्री वन जा थ्री होता है और थ्री एक्स प्लस वन एक्स फोर एक्स भी हो जाएगा हमारा, समझ में आया। तो देखो रूट थ्री एक्स प्लस थ्री एक्स प्लस वन एक्स प्लस रूट थ्री, अगर इसमें से हम कॉमन निकालें तो बेटा जो कंप्लीट थ्री है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं रूट थ्री इंटू रूट थ्री, तो इन दोनों में से क्या कॉमन निकलता है रूट थ्री तो और एक्स, तो बेटा एक एक्स बचा। अब देखो थ्री को हमने कैसे स्प्लिट किया रूट थ्री और रूट थ्री से, एक रूट थ्री बाहर आ गया तो अंदर क्या आएगा रूट थ्री प्लस वन कॉमन लेंगे इसमें से तो एक्स प्लस रूट थ्री, आपके दोनों ये सेम है दैट मीन्स हमारा आंसर एकदम करेक्ट है। तो आपका वैल्यू बन गया रूट थ्री एक्स प्लस वन और एक्स प्लस रूट थ्री। आई होप दैट आपको सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।